हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो मेरी आज की वीडियो है बनारसी साड़ी की, ब्रॉकेट साड़ी की वीडियो है, जो कि इस वीडियो में आपको बहुत सारे डिज़ाइंस की साड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इन सभी डिज़ाइंस को। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनारसी साड़ी एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है। इसे हम कोई भी ओकेजन पर पहन सकते हैं, चाहे वो शादी हो, पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पूजा हो, उसमें हम लोग बहुत ही आसानी से बनारसी साड़ी बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं, क्योंकि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। ये हर टाइम चलेगा, कभी भी मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि कभी भी इंसल्ट फील नहीं होगा कि आउट ऑफ फैशन आपने ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि ये ऑलवेज एवर ग्रीन है, हमेशा चलता है। ये बनारसी साड़ी आप कोई भी जगह आराम से यूज़ कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसकी खास बात यही है फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही टाइप्स के डिज़ाइंस अवेलेबल है बनारसी साड़ी, या फिर साड़ी डिज़ाइंस की। तो लोग देख सकते हैं छोटे प्रिंट, बड़े प्रिंट और भी प्रिंट में भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, बनारसी साड़ियाँ तो वैसे बहुत टाइप्स की आती हैं, वर्क में भी आती हैं, नॉर्मल वर्क में आती हैं, हैवी वर्क में आती हैं, धागे की वर्क में आती हैं, रेशम वर्क में आती हैं, जरी वर्क में आती हैं, स्टोन वर्क में भी। और फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्क में आपको बनारसी साड़ियाँ डिज़ाइन मिलेंगे। बात करें फ्रेंड्स इसकी प्राइस की, तो ये नॉर्मल प्राइस, एक्चुअली जो नकली टाइप की बनारसी साड़ियाँ होती हैं वो आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाएंगी, बट जो ओरिजिनल बनारसी साड़ियाँ होती हैं वो फ्रेंड्स थोड़ी सी कॉस्टली आती है। बट जो ओरिजिनल टाइप्स की साड़ी होती है, उस सेम टू सेम आपको डिफरेंट टाइप्स मिल जाते हैं साड़ियाँ, जिसमें कि आपको दोनों में पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लिकेट है, क्योंकि ओरिजिनल जो बनारसी साड़ी आती है फ्रेंड्स वो थोड़ी कॉस्टली होती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बट तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से जो डुप्लिकेट टाइप्स की साड़ी आती है बनारसी, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और अच्छी फ्रेंड्स, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, बहुत जो पहचानने वाले होते हैं वही लोग पहचान पाते हैं कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी डुप्लिकेट है। बट दोनों की लुक सब कोई नहीं पहचान पाता है, सबको सेम ही लगता है। बहुत वैसे गिने चुने लोग होंगे जिनको अच्छे से साड़ी की समझ होगी, बनारसी साड़ी ब्रॉकेट साड़ी अच्छे से उनको उनके उनको पता होगा उसके बारे में, वही लोग पहचान सकते हैं उस साड़ी के बारे में कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी डुप्लिकेट बनारसी है। तो बट फ्रेंड्स, के मीडियम टू हाई रेंज में जितने भी आप हाई जाएँ, जितना भी आप हाई जाना चाहें, उतने रेंज में ये साड़ी अवेलेबल होती है। उतने से रेंज में आप बहुत ही, जैसा आपका बजट हो वैसा आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अपने पास तो दो चार साड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है और आप कहीं भी बहुत आसानी से इसे पहन सकते हैं। और इसका लुक जो आता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आता है, क्योंकि ऑलवेज सब जानते हैं कि हाँ ये कौन सी साड़ी है। हर किसी को कुछ ना कुछ पता होता ही है कि किस टाइप की साड़ी, और इसका एक अलग इम्पॉर्टेंस आप बोल सकते हैं कि इसका एक अलग इम्पॉर्टेंस है। जो भी ये साड़ी पहनते हैं तो उनका लुक ऑलरेडी एकदम से डिफरेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट फैशन अप टू डेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बीबूज मिक्सअप चैनल को, और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।